ये जो दो टीबीएम है, ये दो टीबीएम का वैल्यू एंड ए टीबीएम का अस्तित्व साइड में रहना है, तभी जाकर ए कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको साइड में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल सर्विसेबल में आप लोगों का स्वागत है। आज काफी तगड़ा नॉलेज शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा लोकल कोऑर्डिनेट में कैसे काम कर सकते हैं विद ड्राइंग के साथ। ऑटो कैड को यूज करके हम लोग आज काम करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है थोड़ा हटके है, क्योंकि मैं लोकल कोऑर्डिनेट जनरेट करने के बाद साइड में कैसे वर्किंग कर सकते हैं मैं बताया था, लेकिन ऑटो कैड को लेकर नहीं समझाया था। तो आज जो टॉपिक होने वाला है, हम साइड में चलेंगे, लोकल कोऑर्डिनेट जनरेट करेंगे, देन हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा, जो भी हम लोग टेक्सचर बैठाएंगे उसका ड्राइंग क्रिएट करेंगे, जो भी बाउंड्रीज हम लोग को रेफरेंस दिया जाएगा सब कुछ मेंशन करेंगे, देन हम लोग ड्राइंग बनाने के बाद साइड में फिर मार्किंग करेंगे। टोटल एक पैकेज आप लोगों को शेयर करूंगा, जो लोकल कोऑर्डिनेट साइड से उठाने के बाद उसको ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ड्राइंग कैसे क्रिएट करते हैं, देन मार्किंग कैसे करते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक हर डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड का टोटल सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बारे से बता दूंगा किस प्रकार से मेरा क्लासेस चलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर दे। मान के चलो कोई अनजान साइड में हम लोग आ चुके हैं, और आने के बाद कैसे हम लोग साइड में काम करेंगे। मान के चलो ये हमारा एक गोडाउन बन रहा है फिलहाल, और गोडाउन बन रहा है तो हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई टीबीएम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक टीबीएम बनाएंगे, दो टीबीएम, ठीक है, दो टीबीएम इस प्रकार से बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग नॉर्थ को पकड़ेंगे, और नॉर्थ पकड़ने के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट छोड़ेंगे। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ लेंगे, पहले मैं बना चुका हूँ एक पॉइंट, मैं दिखाता हूँ। एक पॉइंट मान के चलो मैं यह बनाया हूँ, जैसे मान के चलो कोई भी ऐसा जगह में छोड़ना है जैसे ना हिले। मान के चलो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, और उधर दूर में हमारा एक टीबीएम है जिसमें हम लोग बी पॉइंट छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दो टीबीएम जनरेट करेंगे सबसे पहले, और दूसरा पॉइंट मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, उसके बाद में मशीन में चलेंगे, ठीक है। हमने ढूंढ ढूंढ के ये हमारा दूसरा एक टीबीएम मिला हमको, एक दूसरा टीबीएम बनाया जो ए पॉइंट उधर था, ये बी पॉइंट है, और उसके बाद हम लोग जीरो सेट करेंगे नॉर्थ की दिशा में, जैसे हमारा नॉर्थ है टोटल उसमें नॉर्थ सेट करेंगे, जैसे हम मोबाइल कॉम्पास को ओपन करेंगे और उसके द्वारा नॉर्थ सेट करके हम लोग ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, और ऑब्जर्वेशन में जाने के बाद दो कोऑर्डिनेट छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला पॉजिटिव दिखाता हूँ। तो दो टीबीएम हम लोग सबसे पहले बना लिया, अभी टोटल डिस्टेंस सेट नहीं किए थे, अभी हमारा टोटल डिस्टेंस सेट हो गया। सेट करने के बाद टोटल डिस्टेंस को बाकायदे से टील करना पड़ेगा, और टील करने के बाद मैं दिखा देता हूँ क्या करना है अगला प्रोसीडर। उसके बाद टील किया, और टील करने के बाद हमारा टील 0-0 हो गया। टील करने के बाद हम लोग जीरो सेट करेंगे, देखो इधर हमारा जीरो सेट रहते हैं, जीरो सेट मान के चलो यही हमारा नॉर्थ दिशा है, क्या हम लोग इसको थोड़ा घुमा लेंगे, तो ये मान के चलो हमारा नॉर्थ दिशा है पूरा सीधा, यही नॉर्थ है। तो इसका दिशा में हम लोग जब जीरो सेट करेंगे तो इसको ओके कर देंगे जीरो सेट को, तो ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, ऑब्जर्वेशन मान के चलिए मेनू में चलते हैं, और ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद हम लोग मेज़र करेंगे। मेज़र कहाँ करेंगे, जो हमारा पहला वाला टीवीएम है उसमें मेज़र करेंगे, जो कोऑर्डिनेट आएगा नोट करेंगे, और हमारा दूसरा टीबीएम है उसमें मेज़र करेंगे, जो कोऑर्डिनेट आएगा नोट करेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड मेथड है, उसके बाद हम लोग जॉब बनाएंगे, एक जॉब बनाने के लिए डेटा में जाएंगे और इजीली जॉब एक क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। जॉब कैसे बनाना है मैं वीडियो डाल के रखा हूँ ऑलरेडी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देखो हम लोग जॉब में आ गए, और इधर लिस्ट में आएंगे, और लिस्ट में आने के बाद कोई भी एक जॉब हम लोग चूज़ कर लेंगे जो खाली है। अगर खाली नहीं है तो कैसे डिलीट कर सकते हैं, मैं डेडिकेट करके वीडियो बना कर रखा हूँ, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो हम लोग एक जॉब को चूज़ कर लिया जिसका नाम है पंचम, तो हम जॉब डिटेल्स में आने के बाद जॉब का नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान के चलो हमारा जॉब भी सिलेक्ट हो गया, देख सकते हैं ओबीएस वाला पेज में, स्किप करेंगे। अभी जो है हमारा टोटल टेस्ट रेडी फॉर वर्क हो गया, इसलिए क्योंकि हम लोग दो कोऑर्डिनेट बना लिया और टू नॉर्थ सेट कर लिया, नॉर्थ का जो दिशा है वो भी सेट कर लिया। अभी हमारा बारी जो है टोटल डिस्टेंस को कोऑर्डिनेट में सेटअप करना।
उसके लिए सबसे पहले हम लोग मेनू में आएंगे और मेनू में आने के बाद हम लोग रिसेक्शन में चला जाएंगे, कोऑर्डिनेट, उसके बाद ऑक्युपेशन ओरिएंटेशन, उसके बाद रिसेक्शन। रिसेक्शन में जाने के बाद हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग ए पॉइंट को बनाए थे उसमें प्रिज्म पकड़ेंगे और मेज़र करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे जैसे रिसेक्शन का मेथड है ऐसे ही करेंगे, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में जाएंगे, टारगेट करेंगे, मेज़र करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करके हमारा जो टोटल डिस्टेंस है सेटअप कर लेंगे। तो हमारा सेटअप कैसे हुआ, जो लोकल कोऑर्डिनेट हम लोग बनाए हैं उसके हिसाब से टोटल डिस्टेंस सेटअप हो गया। और सेटअप करने के बाद अभी हमारा बारी आता है जो हम लोग बिल्डिंग जो बनाएंगे क्या कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मैनुअली क्या टोटल डिस्टेंस से भी आप लोग कर सकते हैं आपका बिल्डिंग का लेआउट। मान के चलिए कोई भी एक कोना आपको चाहिए, मान के चलो अब ये हिस्सा क्या वो हिस्सा आपको रेफरेंस दे दिया, सपोज मान के चलो आप ऐसे अनजान में तो खुर्टी क्या पॉइंट लगा नहीं सकते हैं ना, तो आपको कोई बताएगा जो रेफरेंस चाहिए जो वो गोडाउन है उससे आपको 10 मीटर लेना है, क्या वो बाउंड्रीज है उससे 5 मीटर लेना है, उसके हिसाब से आप दो सरिया गाड़ दीजिए। जैसे कि हम ये जो हमारा बाउंड्रीज थे ये वाला बाउंड्रीज, इससे हम लोग मान के चलो 2 मीटर शिफ्ट किया, 2 मीटर इनर करके लाइन लिया, उसके बाद वो जो हिस्सा है वो हमारा 3 मीटर हिस्सा है, वो जो आउटर बाउंड्री है वो हमारा 3 मीटर, ये 2 मीटर, उसके हिसाब से हम लोग उधर एक पॉइंट लगाया, इस तरफ एक पॉइंट लगाया, इधर एक पॉइंट लगाया, उसके हिसाब से पॉइंट लगाया, कैसे ना पहले टेप से माफी करके उस साइड और इस साइड लगाया था। उसके बाद ये जो लाइन है हमारा, मान के चलो हम लोग सिर्फ लाइन लिया था, कोई पर्टिकुलरली पॉइंट क्या बेस पॉइंट नहीं लिया था, जिधर आके हमारा पॉइंट रुक सकते, सिर्फ हम लोग लाइन बना लिया था। लाइन बनाने के बाद हम लोग लाइन को उठाए, उधर एक पॉइंट ले, इधर एक पॉइंट ले, सीधा लाइन हो गया। तो हम लोग इसको नोट किया जो हमारा पॉइंट है, तो हम ऑटो कैड में चल के आप लोगों को बाकायदे से समझाऊंगा कैसे हम लोग पॉइंट को नोट किया। देखो ये जो है ये हमारा एक पॉइंट है, सपोज मैं समझा देता हूँ, ये एक सरिया है, ये हमारा एक पॉइंट है, और उधर लास्ट में एक सरिया है वो पॉइंट है, वो बाउंड्री से 2 मीटर छोड़ के ऐसा ऐसा लाइन है, और ये जो वाला लाइन है, ये जो वाला लाइन है वो बाउंड्री से हमारा 3 मीटर छोड़ने के बाद हमारा 61 मीटर 570 ये वाला लाइन है, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग 90 किया, और 90 करने के बाद ड्राइंग को हम लोग जब बैठाएंगे ऑटो कैड में बैठेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड में हम लोग लाइन ड्रॉ खींचे है क्या पॉइंट जो उठाया है ये प्रॉपर 90 नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग टेप से किया, तो टेप से अगर हम लोग 90 करना चाहे तो उसका फॉर्मूला जो है 3:4:5, इसमें हम लोग 90 बना सकते हैं इजीली। तो अभी ड्राइंग कैसे सेट करते हैं ऑटो कैड में लोकल कोऑर्डिनेट जनरेट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और इसका जो ड्राइंग है जो टेक्चर अभी बन चुके हैं क्या बनने वाले हैं, तो इसका ड्राइंग मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाऊंगा, उसके बाद हम फिर से टोटल डेसन को इधर लेके आके लेआउट करेंगे, क्या बोल्ड सेट करेंगे, जो मैटर है वो भी दिखाएंगे। मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी फिक्सिंग लोकल कोऑर्डिनेट के सहारे टीवीएम बना के, लेकिन कैसे किया वो आप लोगों को प्रोसीडर में बताऊँगा ऑटो कैड में चल के। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर मित्र था हारू खाड़े, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटो कैड का टोटल लेसन सीखना चाहते तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बारे से बता दूंगा किस प्रकार से हमारा क्लासेस चलते, जॉब कैसे एक्सपोर्ट करेंगे वो दिखा देता हूँ ऑटो कैड में लेके जाने के लिए। तो पेन ड्राइव पहले इंसर्ट करना है आपको टोटल लेसन में, जैसे मैं इंसर्ट किया हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है ना यूएसबी में आ जाना है, एस्केप कर दीजिए, एस्केप करने के बाद यूएसबी में आइए, यूएसबी में जाने के बाद हम लोग टी टाइप में जाएंगे, टी टाइप में इसलिए जाएंगे एक्सेल फाइल निकालेंगे, इस टाइप में जाएंगे तो एचडीआर फाइल निकालेगा, ओके। उसके बाद टी टाइप में आ गया, उसके बाद सेव डेटा में आएंगे, हमारा पंचम का जो डेटा है उसको हम लोग ओके कर लेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आउट हो जाएगा, ओके करेंगे। उसके बाद हम लोग एसएस कोड में आ जाएंगे, एंटर करेंगे, और आखिरी में आके इधर सीएसवी लिख देंगे, कोमा डेलिमिटेड सीएसवी, ओके, और उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे। और ये ओवरराइड बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि पहले से मैं इसको एक्सपोर्ट करके रखा हूँ, अगर आप लोग करेंगे तो आपको ओवरराइड नहीं बताएगा, आपको तुरंत हो जाएगा, अगर मैं इसको ओके करूँगा तो मेरा डेटा आ गया पेन ड्राइव में ओवरराइड हो जाएगा, तो अभी क्या होगा एक ही डेटा दोबारा आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम ऑटो कैड स्क्रीन में जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे हमारा पॉइंट को इनपुट करते हैं। तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं हमारा सिस्टम पर, और जो जॉब हम लोग एक्सपोर्ट किया था पंचम नाम में, ये देख सकते हैं हमारा जॉब, तो हम ये जो है हमारा सीएसबी फॉर्मेट में है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो डेटा हम लोग कलेक्ट किए थे, मैं आप लोगों को जो दिखाए थे उसके हिसाब से हम लोग ऑटोकैड में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ए पॉइंट था हमारा टीबीएम था, बी पॉइंट जो था वो भी टीबीएम था, उसके बाद हमारा जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव, क्योंकि एक ही बार
हम लोग दो बार सॉल्व लिए थे, जैसे G1 और G2 का कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट हम लोग सॉल्व ले लिए थे, एक कोऑर्डिनेट को हम डिलीट कर दिया। अभी क्या है, अभी मान के चलो ये G1 है, G3, G4, G5। तो सबसे पहले TBM को हम लोग लेके जाएंगे, और TBM को लेके जाने का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले हम लोग जो कोऑर्डिनेट को लेके जाना है उसका सीधा सीधा बाजू वाला सेल में क्लिक करना है, उसके बाद फंक्शन में क्लिक करो, कौन कोऑर्डिनेट में आ जाओ, अगर नहीं शो कर रहे तो ऑल सिलेक्ट करो और कौन कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ओके करो। ओके करने के बाद टेक्स्ट में क्लिक करो, वन टेक्स्ट जो नंबर वन है, उसके बाद स्ट्रिंग दे दो, और टू टेक्स्ट टू में कोमा दे दो, और टेक्स्ट थ्री में नॉर्थिंग दे दो, ओके कर दो। इसको डबल क्लिक करो, सेल ले लेगा पूरा, उसके बाद इसको ड्रैग कर दो। तो सबसे पहले हम लोग 2 TBM को लेके जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे 2 TBM को, कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके। अभी हम लोग ऑटोकैड में आ जाएंगे, और ये ड्राइंग में बाद में आता हूँ, सबसे पहले एक नया ड्राइंग क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोग इधर पॉइंट को इनपुट करेंगे। तो इससे पहले पॉइंट को सेटिंग कर लेता हूँ, PT पॉइंट स्टाइल या पॉइंट टाइप, उसके बाद ये पॉइंट को चूज करेंगे, और इसका जो हाइट है हम 0.7 रख देंगे, यूनिट साइज को चूज करके ओके कर देंगे। अभी हमारा बारी है मल्टीपल पॉइंट, दो में आएंगे, मल्टीपल पॉइंट लेंगे, कमांड बार में आके राइट क्लिक पेस्ट कर देंगे। अभी हमारे पास शो नहीं कर रहे, इसलिए एस्केप करेंगे, जेड एंटर ई एंटर, जेड एंटर ई एंटर करने से हमारा पॉइंट शो करने लगेगा, हम इसको कलर कर देंगे, जो हमारा TBM है ग्रीन है, ओके। तो हम लोग को ये पता नहीं है जो कौन सा TBM ए है कौन सा TBM बी है, तो हम लोग जार्ज कर सकते हैं कैसे ना, ID, फिलहाल ID कमांड देके हम लोग जार्ज कर सकते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट ए, कौन सा कोऑर्डिनेट है, देखो 1006 और ए 925, तो 1006 925 कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वाला 1006 925, मतलब ये ए कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग इसको नाम दे सकते हैं ए और बी, ए है तो MT, नाम देने के लिए MT, और टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इस फोकस से खींच दिया, ए कैपिटल में दूंगा ए, ओके। और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्टाइल क्या हाइट को बढ़ा देंगे, ओके राइट क्लिक, इसको SC कमांड देंगे, ए में क्लिक करेंगे और थोड़ा सा छोटा हम कर देंगे, ओके। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, इसको कॉपी करेंगे CO4 कॉपी, और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जो फेसर बंदा है उसके लिए 100% वर्कफुल है, ठीक है। और टेक्स्ट को एडिट करने के लिए डबल क्लिक करो, टेक्स्ट में बैक करो, बी लिख दो, ओके। ए और बी हमारा TBM जनरेट हो चुका है। अभी जो हम लोग लाइन को एक्सपोर्ट करेंगे वो हमारा रेड कलर में पॉइंट इनपुट होगा, इसलिए रेड कलर ले लिया। अभी हम लोग ऑटोकैड में जाएंगे, अभी 1 और 3 को लेंगे जो हमारा 2 लाइन है, तो ये 2 पॉइंट को लेंगे राइट क्लिक कॉपी, उसके बाद हम लोग सिविल 3D में आएंगे और ड्रॉ में आएंगे, मल्टीपल पॉइंट राइट क्लिक कमांड बार में पेस्ट। तो देखो हमारा 2 पॉइंट इधर भी आ चुके हैं, हम लोग चाहे तो पॉली लाइन और कमांड बार में आके पेस्ट कर सकते हैं, पॉली लाइन PL फॉर पॉली लाइन, इस प्रकार से ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। इवन हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट को भी लेके आ सकते हैं, जो आखिरी पॉइंट है, राइट क्लिक कॉपी और सिविल 3D, फिर हम लोग इधर आपको आना है, ड्रॉ में हर बार आना है, मल्टीपल पॉइंट लेना है, कमांड बार में आके पेस्ट करना है, ठीक है। अभी आप इसको भी पॉलीलाइन दे सकते हैं, कमांड से बाहर आ जाइए स्किप करके, PL फॉर पॉलीलाइन, कमांड बार में आएंगे राइट क्लिक पेस्ट कर दीजिए, लेकिन इसका जो कलर है हम दूसरा देना चाहते हैं, इसका कलर हम देंगे ग्रीन, ओके। और एक जो पॉइंट है इसको हम नील करना चाहेंगे, नीला, ठीक है, ओके हो गया। अभी जो बात है, देखो अभी हमारा ये जो डिग्री है ना, हम लोग बनाए थे, हम लोग टोटल डिस्टेंस तो बनाए नहीं, हम लोग सिर्फ टेप से मेजरमेंट किया था। सपोज मान के चलो इधर हमारा बाउंड्रीज थे, हम आप लोगों को दिखाए थे शायद, इधर हमारा मान के चलो सपोज इस प्रकार से बाउंड्रीज था, और बाउंड्रीज का तो दूरी थोड़ा इस तरह का था कुछ, और इस तरफ हमारा बाउंड्रीज थे, ठीक है, इस तरह हमारा बाउंड्री था, सपोज मैं दिखा रहा हूँ, तो इसी प्रकार जो बाउंड्रीज थे हमारे, इसको हम दूसरा कलर देने के लिए कोशिश करूंगा,
ओके, ये जो बाउंड्रीज थे, ये मैं बोला था, ये जो डायमेंशन होगा ये 3 मीटर, हम लोग फील्ड से किया था 3 मीटर में, सपोज दिखाने के लिए किया, और इधर से हमारे थे 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर के बाद ए लाइन सपोज, या तो ये जो है, इस हिसाब से हम लोग फील्ड में मार्किंग किया, इधर एक सरिया, इधर एक सरिया जैसे मैं दिखाए थे, तो ये लाइन जो है, ये ग्रीन लाइन जो है, हम लोग सीधा सीधा उठाए, लेकिन बिल्डिंग हमारा इसका अंदर होगा, इसका बाहर नहीं जाएगा, और ए वाला रेड वाला जो लाइन है, हम लोग ए बाउंड्री से माफी किया, तो माफी करके कोऑर्डिनेट को लेके आया, 4 कोऑर्डिनेट, एक ऐसा वाला लाइन जो रेड कलर का लिया, और एक ग्रीन वाला लाइन जो दूसरे तरफ से लिया। अभी क्या है, अभी अगर 90 है कि नहीं चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा बैठा देंगे तो बिल्डिंग भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ, हम लोगों को 90 देख के बैठाना है, जैसे 0-0 हो, ठीक है। तो देखो एंगल को सबसे पहले चेक करेंगे, एंगुलर, इसको इसको, तो ये 90 है, देखो इधर 90 दिखा रहा है, इधर 90 दिखा रहे भले, लेकिन हम लोगों को सटीक एंगल चेक करने का जो तरीका है वो है डी, एंटर करो डायमेंशन स्टाइल में जाओ, मॉडिफाई में जाओ, और प्राइमरी यूनिट्स में आके डेसिमल डिग्री जो है ना, इसको मैक्सिमम करो, जितना 0 है ना, इसको मैक्सिमम 0 दे दो, ठीक है। उसके बाद ओके कर दो, ओके करने के बाद सेट करेंट कर दो और कैंसिल कर दो। अभी देखो हमारा कुछ एरर है, ये जो एरर होता है मान के चलो, वो ये जो है ना 90.00102610, ये जो होता है ना, ये जो एरर होता है समथिंग, ये अगर ये लाइन कहीं दूर जा रहे, 500 मीटर जा रहे, 200 मीटर जा रहे, वो जाते जाते एरर पैदा करते हैं, अगर 0090 डिग्री नहीं होता है तब, जैसे मान के चलो 1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जाएगा, मैं दिखाऊंगा लाइव प्रूफ। तो इसलिए मैं ये जो लाइन है, ये जो हमारा लाइन है, इसको हम 0 मानेंगे, और ये जो टारगेट किया है ना, ये हमारा एक बेस पॉइंट बन जाएगा, और यहां से हमारा लेंथ को हम काउंट करेंगे, जैसे मान के चलो सी फॉर सर्कल, हम लोग सर्कल का कलर लेना चाहेंगे अलग, ए कलर ले लिया, और सी फॉर सर्कल, हम इसमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, मान के चलो हम 1 मीटर का एक सर्कल ले लिया, बिल्डिंग का लाइन क्या लेंथ जितना होगा, हम ये जो ग्रीन वाला लाइन है इसके ऊपर पैरेलली हम ड्रॉ करेंगे, ओके। अभी जो पॉइंट इनपुट करने का काम था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमारा है ड्राइंग, ड्राइंग को लेके आना है, तो ड्राइंग को लेके आने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्राइंग में जाएंगे, और ये हमारा जो ड्राइंग है मैकेनिकल का ड्राइंग, कॉलम मार्किंग प्लान, ये जो है ये हम लोग वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये को हटा देंगे, जरूरी नहीं, अगर चाहो इसको कॉपी कर सकते हो, सिलेक्ट करके कॉपी, CO4 कॉपी साइड में रखो, और इसको डिलीट कर दो, जो अननेसेसरी हिस्सा है ना डिलीट कर दो, इसको हमारा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है ना, ये जो है ना, ये mm पर है, देखो मैं डिस्टेंस दिखाना चाहूंगा, तो डिस्टेंस यहाँ से भी चेक कर सकते हो एंगुलर लेकर, नहीं तो कमांड से भी डिस्टेंस चेक कर सकते हो, जो देखो मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो है ये mm पर है, देखो अगर थोड़ा सा मैं जूम करने के लिए कोशिश करो, देखो mm पर है ये 7366 mm, लेकिन एक्चुअली मीटर में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, 7 मीटर 366 होगा। तो सबसे पहले इसको स्केल करना लाजमी होता है, दो तरीके से स्केल कर सकते हैं, एक होता है एलाइगन, दूसरा होता है स्केल। तो मेरा डेडिकेट करके वीडियो में बना के रखा हूं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्केल कमांड से कैसे स्केल करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद एससी कमांड देंगे, एससी कमांड देने के बाद डिस्प्ले में कोई भी क्लिक करेंगे, पॉइंट देंगे 0.001, एंटर, और जो टेक्स्ट है बड़ा हो जाएगा, टेक्स्ट को कैसे सही करना है मैं दिखाया था, एनोटेशन में आने के बाद इधर स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना है, नहीं होगा तो बनाना है, अगर ये सब दिखाने के लिए जाऊं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं डेडिकेट करके वीडियो बनाकर रखा हूँ, ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो का थंबनेल है, ठीक है, ये वीडियो देख लो, एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगा, जाके देख लेना पूरा वीडियो। तो अननेसेसरी जो टेक्स्ट है मैं डिलीट कर देता हूँ, देखो हमारे पास नीट एंड क्लियर एक ड्राइंग आ चुकी है, और ये जो हमारा ड्राइंग अभी तैयार हो चुका है, ये हमारा मीटर में तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, क्लिप बोर्ड, कॉपी विथ बेस पॉइंट करेंगे, डिस्प्ले में क्लिक करेंगे, एस्केप, ओके, इधर से हमारा काम हो चुका है, ये हमारा मीटर वाला ड्रॉइंग, ये हमारा एमएम वाला ड्रॉइंग। अभी हम लोग ड्रॉइंग में आ जाएंगे, जो हमारा ड्रॉइंग बनाया थे, राइट क्लिक करेंगे, क्लिप बोर्ड करेंगे, पेस्ट करेंगे, ब्लॉक, उसके बाद कहीं पर भी होल्ड करेंगे। अभी हमारा जो बारी है, बारी क्या है, एंगुलर लेंगे और डायमेंशन को चेक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे,
और आखिरी में क्लिक करेंगे, ठीक है इसको। तो देखो अभी डायमेंशन हमारा क्या शो कर रहे हैं ना, 61 मीटर 570। हम लोगों को ए लाजमी होना चाहिए, जो हमारा जो पीबीएस ड्राइंग है, जो एमएम वाला ड्राइंग है इसका, और जो कॉन्वर्ट किए हैं हम लोग उसका डायमेंशन बार बार मिल रहा है कि नहीं। तो देखो हमारा जो कॉलम का सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है ये 61 मीटर 570 है, बिल्कुल 570 है। तो हमारा डायमेंशन मैच हो रहा है और इस साइड भी हमारा मैच होगा, मैं देख लिया चढ़ चढ़ के। अगर आप लोग कोई ड्राइंग बैठा रहे हैं तो आपको देखना लाजमी होता है, जैसे देख सकते हैं 89.296 सॉरी 89.392 जो हमारा लेंथ है कॉलम सेंटर टू सेंटर, इधर भी हम लोग चेक करेंगे जो हमारा बराबर मिल रहा है कि नहीं, या ये लाजमी होता है क्योंकि डायमेंशन चेक करना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि डायमेंशन बगैर हम लोग काम तो करते नहीं, और डायमेंशन गड़बड़ होगा तो पूरा काम ही हमारा गड़बड़ है। तो इसलिए देखो हमारा सेम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा 4 डिजिट में दिखा रहे हैं, तो डी एंटर करेंगे, फिर से मॉडिफाई में जाएंगे, प्राइमरी यूनिट्स इसको 3 डिजिट कर देंगे, पोजिशन को ओके ओके कर देंगे, सेट करेंट ओके, देखो अभी 3 डिजिट शो करेगा ओके, एस्केप कर देंगे। डायमेंशन जब हमारा प्रॉपर हो चुका है, हम लोग अभी अलाइगिन करेंगे। अलाइगिन कैसे करेंगे, डायमेंशन प्रॉपर जब हो गया हमारा, अभी हम लोग अलाइगिन करेंगे। देखो मैं आप लोगों को ए ड्राइंग में स्केल कमांड के बारे में बताया, कैसे स्केल करके ड्राइंग को एमएम से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हम लोग इधर अलाइगिन करेंगे। दोनों तरीके से आप लोगों को वर्किंग समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक लाइन खींचना पड़ेगा जो कि 61 मीटर 570 वाला, क्योंकि ये जो लाइन है पैरेलली में इस तरफ बैठाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जैसे हमारा 90 बन जाए। तो अभी हम लोग पॉली लाइन लेंगे, पीएल एंटर, और अभी इसको हम लोग क्लिक करेंगे बेस पॉइंट में, और इस पॉइंट में हम लोग क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ लेके जाके होल्ड करेंगे, होल्ड ओके। अभी हम लोग कमांड देंगे 61 मीटर 570, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद हमारा देखो लाइन में आ चुका है इजीली, राइट क्लिक एंटर। ये जो लाइन है हमारा एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, देखो एक लाइन क्लिक कर रहा हूं तो दो लाइन शो कर रहे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। अगर आप लोगों का शो नहीं कर रहे तो आप इधर आके साइक्लिन सिलेक्शन को ऑन कर लेना, ये जो साइक्लिन सिलेक्शन है ऑन कर लेना, आपको शो कर देगा ठीक है। अगर साइक्लिन सिलेक्शन इधर शो नहीं कर रहे तो 3 डॉट में आ जाना, और इधर साइक्लिन सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, इधर से ऑन कर लेना। तो ये हो चुका है हमारा 61 मीटर 570 का लाइन ठीक है। तो इधर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, सी फॉर सर्किल, और ये जो है एंड पॉइंट में हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे 1 मीटर का ओके। हमारा दोनों तरफ पॉइंट जो है बराबर क्रिएट हो चुका है 90 बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्लिक करेंगे और डायमेंशन चेक कर लेंगे एक बार, जो साइड डायमेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बराबर मिल रहा है 61 मीटर 570। अभी अलाइगिन करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ए एल एंटर करेंगे, ए एल फॉर अलाइगिन कमांड है। उसके बाद इसका सेंटर में क्लिक करेंगे, सेंटर में क्लिक करेंगे, आराम से करना है ये काम, बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से, और इसको क्लिक करेंगे, इसको मैच करा देंगे इसमें ठीक है, इसमें मैच कराएंगे जो हमारा पॉइंट है बेस पॉइंट ओके। नेक्स्ट हमारा ये जो है इसमें क्लिक करेंगे ओके, और 570 वाला लाइन ये वाला हम लोग क्रिएट किए थे ओके। अभी राइट क्लिक यस, अभी देखो हमारा टेक्सचर जो है, बिल्डिंग जो है इजीली बैठ चुका है हमारा बाउंड्री के अंदर जो हम लोग सर्वे किए थे। अभी जो है देखो हमारा जो लाइन है, ये वाला हमारा रेड वाला लाइन है ठीक है, ये वाला हमारा रेड वाला लाइन है जो हम लोग उठाए थे पॉइंट के हिसाब से। देखो अभी जो अंतर आ रहा है ना, मैं इसको अगर कलर चेंज करने के लिए कोशिश करूँ तो मैं कलर चेंज करता हूँ, नीला कर देता हूँ समझने के लिए। जो नीला वाला लाइन है और जो हमारा बैठा है ड्राइंग का लाइन है, कितना अंतर है, देखो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जितना दूर जाएगा ना, 1 mm का अंतर है देखो, 1 mm, लेकिन जितना दूर जाएगा ये लाइन एक्सटेंड होते होते उतना एरर पैदा करेगा, इसलिए हम लोग 90 बना लिया। भले हम लोग टेप से साइड से 90 करके उठा के लेके आए, ऑटो कैड में भी 90 करना लाजमी होता है। अभी देखो अभी ये हमारा इतना था, अभी एरर था 90 से। अभी हम लोग अगर चेक करेंगे एंगुलर, और हमारा ड्राइंग का लाइन से हम लोग चेक करें, जो हमारा ड्राइंग का लाइन है मान के चलो ये रेड कलर हमारा ड्राइंग का लाइन है, इसमें क्लिक किया और हमारा इसमें क्लिक किया ठीक है, मान के चलो जो पॉली लाइन हम लोग ब्लॉक का है
इसमें क्लिक किया तो हमारा क्या होगा, एंगल जो होगा ना 90 00 दिखाएगा। देखो 00 यही होता है सॉफ्टवेयर का काम, 00 करना हर जगह। ठीक है, तो अभी हमारा ड्राइंग तो बैठ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है। तो अभी हमारा कोऑर्डिनेट जनरेट करना बाकी है। अभी कोऑर्डिनेट जनरेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो लाइन है ये लाइन को हम डिलीट कर देंगे, नहीं तो गलती होगा 1 mm का, तो नीला वाला लाइन को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो अभी IDD कमांड देके आपको पूरा कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम एक लिप्स यूज करेंगे, अपलोड कर लेंगे। तो मैंने एक लिप्स अपलोड कर लिया, IDD कमांड दे दिए। IDD कमांड देने के बाद मान के चलो जो कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, मैं इसके सेंटर का निकालने के लिए कोशिश करूंगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया। अगर मान के चलो हम दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोशिश किया, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, अगर हम बोल्ट का निकालने के लिए कोशिश किया तो आराम से निकल जाएगा, चारों कोना का मैं निकाल लेता हूँ। हम SO लाइन में भी काम कर सकते बहुत इजीली। ठीक है, तो ये जो तरीका है, ये तरीका से प्रॉपर वे में कोई भी साइड में जाने के बाद लोकल कोऑर्डिनेट से आप लोग काम कर सकते इजीली। देखो मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए कोशिश किया, जो कोई भी फील्ड में काम करेंगे तो इजीली काम कर सकते हैं, लोकल कोऑर्डिनेट चाहे UTM कोऑर्डिनेट, लेकिन सर्वे सर्वे होता है, तरीका सेम होता है, चाहे आपको UTM कोऑर्डिनेट मिले चाहे आपको लोकल कोऑर्डिनेट मिले। आपको इसी तरह क्रॉस चेक करके ड्राइंग को बैठाना है, हर फील्ड में हर प्रोजेक्ट में कोई भी साइड में जाए तो इस प्रकार से करना है। आपको बोल्ड का चाहिए तो आप बोल्ड का कोऑर्डिनेट निकालिए, ग्रिड का चाहिए तो ग्रिड का कोऑर्डिनेट निकालिए, इस हिसाब से आप किसी भी हिस्से का कोऑर्डिनेट निकालिए और साइड में जाके मार्किंग करिए, आपका 00 कोऑर्डिनेट मिलेगा। लेकिन जो आपने कोऑर्डिनेट बनाए थे साइड में, जो ATBM और ये BTBM, ये जो 2 TBM है, ये 2 TBM का वैल्यू एंड ATBM का अस्तित्व साइड में रहना है, तभी जाकर ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको साइड में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और जो है ये जो TBM है, ये TBM का रेफरेंस से हम लोग ये बिल्डिंग को बैठाया, क्या टेक्सचर को बैठाया, क्या कोऑर्डिनेट जेनरेट किया। अगर ये TBM हमारे पास नहीं रहेगा फिजिकली, तो हमारे रेफरेंस का कुछ वैल्यू नहीं है। करेक्ट, तो ये TBM को हम लोगों को अच्छे से रखना है और इसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर से हम लोगों को कोऑर्डिनेट जेनरेट करना पड़ेगा, फिर हमारा ड्राइंग चेंज करना पड़ेगा। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग लोकल कोऑर्डिनेट जनरेट करके ऑटोकैड में ड्राइंग बना के साइड में मार्किंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बाकायदे से समझा चुका हूँ। अगर कुछ दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप में आ सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका है। मेरे से ऑटोकैड क्या टोटल ब्लेसन सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बरकस बता दूंगा किस प्रकार से मेरा क्लासेस चल रहे हैं। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।